वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स टू एशन ऑफ परसेंटेज एंड यू हैलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल देन इफ यू आर लाइकिंग द सेशन्स अगर सेशन्स पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल भी ज्वाइन कर सकते हो रेशियो एंड प्रपोर्शन में हमने देखा था इनवर्स प्रपोर्शनैलिटी वेरिएशन जो हमने स्टडी किया था तो वी डिस्कस्ड इनवर्स प्रपोर्शनैलिटी से देर आर टू क्वान्टिटीज ए एंड बी एंड वी नो देट ए इज प्रपोर्शनल टू वन बाय बी

ठीक है तो दिस कैन बी नोन एज प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल तो जब भी हमारा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा दो वैल्यूज का तो वहां पे इनवर्स प्रपोर्शनिटी एप्लीकेबल होगी इनवर्स प्रपोर्शनिटी एप्लीकेबल होगी फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक टाइम एंड स्पीड तो टाइम इंटू स्पीड इज इको डिस्टेंस टाइम इंटू स्पीड इज इको डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल हमने फाइव आवर्स के लिए एट फोर्टी किलोमीटर पर आवर कार से ट्रैवल किया वी ट्रेवल्ड बाई अ कार एट द स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर फॉर फाइव आवर्स तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा दैट विलोमीटर्स ओके नौ अगर हम स्पीड को वन बाई टू कर दें स्पीड हो जाए ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस अभी भी कॉन्स्टेंट हो सेम हो टू हंड्रेड किलोमीटर ही हो तो so, अगर डिस्टेंस हमारी सेम है ट्वेंटी की स्पीड है तो टाइम लगेगा टू हंड्रेड बाई ट्वेंटी टेन आवर्स का

ज दैट क्लियर ठीक है तो अगर ये बात समझ में आती है तो अगर हम टाइम को लटस से इंक्रीज करते हैं इनिशियली हमारा टाइम टी वन है या स्पीड मान लेते हैं स्पीड हमारा इनिशियली एस वन है एस वन स्पीड है इनिशियली और हमने स्पीड को इंक्रीज किया ट्वेंटी फाइव परसेंट से स्पीड गॉट इंक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट का इंक्रीज यानी कि वन बाई फोर का इंक्रीज फोर में वन का इंक्रीज किया हमने फोर में वन का इंक्रीज करने का क्या मतलब कि अगर हमारा स्पीड इनिशियली फोर था तो नया स्पीड हो जाएगा फोर से फाइव हो जाएगा अगर स्पीड फोर से फाइव हो गया है तो टाइम के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा यानी कि टाइम फाइव से फोर हो जाएगा तभी तो हमारा टोटल डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा तभी तो टोटल डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा तो अगर हमारा स्पीड फोर से फाइव हुआ है तो टाइम हो जाएगा फाइव से फोर सिमिलरली अगर ऐसा कोई भी फॉर्मूला है जहां पर कि जो कि ए इंटू बी इज टू सी टाइप का फॉर्मूला है और अगर हम वहां पे c यानी कि प्रोडक्ट को अगर कांस्टेंट रख रहे हैं ए एंड बी विल बी इन्वर्सिटी प्रपोशनल तो ए विल बी प्रपोशनल टू वन बाई बी इन एनी सच केस फॉर एग्जाम्पल टाइम इन टू एफिशियज इक्वल टू वर्क उस फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं या. या फिर इन टू कंजम्पन इक्वल टू एक्सपेंडिचर वहां पर भी ये सेम कॉन्सेप्ट uh, एप्प्लीकेबल होगा कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है तो प्राइस एंड कंजम्पन विल बी इनवर्सिटी प्रपोर्शन प्राइस विल बी प्रपोर्शनल टू वन बाई सी

और प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर इज नॉट चेंजिंग यानी कि एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है इन सच ए केस प्राइस हमारा क्या हो रहा है से इंक्रीज कर रहा है यानी कि इनिशियली अगर हमारा प्राइस पी था तो नाउ द प्राइस इज सिक्स बाई फाइव सिक्स बाई फाइव पी हो जाएगा और अगर हम एज्यूम कर लें कि कंजम्पशन हमारा सी डैश हो जाएगा और प्रोडक्ट कांस्टेंट है इनका यानी कि ई e के बराबर है सो दैट इज इक्वल टू पी इन सी

शुड बी रिड्यूस बाई सेंट इज दैट clear? ठीक है जब कॉन्स्टेंट है तो इतना लिखने की जरूरत है स्ट्रेट अभी हम देख सकते हैं कि वन बाई फाइव का हमारा चेंज आया है वन बाई फाइव से इंक्रीज किया है प्राइस तो प्राइस अगर वन बाई फाइव से इंक्रीज किया है तो हमारा प्राइस हो जाएगा सिक्स बाई फाइव टाइम्स और अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है यानी कि उतना ही रखना है जितना पहले तक तो फाइव बाई सिक्स से हम करोगे यानी कि हमारा जो कंजम्शन है दैट शुड बी फाइव बाई सिक्स ऑफ इनिशियल यानी कि सिक्स में वन का रिडक्शन आएगा तो वन बाई सिक्स सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट का रिडक्शन हमें करना पड़ेगा इज

तो इस प्राइस इज इलेवन बाई टेन एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है तो कंजम्पन शुड भी टेन बाई इलेवन अभी तो टेन से टेन कैंसिल आउट होगा इलेवन से इलेवन कैंसिल आउट होगा और एक्सपेंडिचर हमारा ऐसा ही रहेगा जैसा पहले था ठीक है यहाँ पे पी और सी मैं लिख नहीं रहा हूँ बट समझ सकते हो कि यहाँ पे पी और सी आ गया तो अल्टीमेटली ये वन इंटू पी इंटू सी एक्सपेंडिचर के बराबर हो गया ठीक है तो इलेवन बाई टेन था तो हमारा कंजम्शन शुड भी टेन बाई इलेवन यानी कि वन बाई इलेवन का डिक्रीज आएगा विच इज नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट का डिक्रीज चाहिए हमको इन कंजम्शन

तो बेसिकली अब जो हमारा प्राइस है अगर इनिशियल प्राइस हमारा टेन यूनिट्स था नाउ द प्राइस इज नाइन यूनिट्स ठीक है इनिशियल कंडीशन और न्यू कंडीशन तो इनिशियली अगर प्राइस यूनिट्स था तो अब प्राइस है हमारा यूनिट्स अगर प्राइस टेन से नाइन यूनिट्स हुआ है तो कंजम्पन हमारा ठीक है इसका अपोजिट चेंज हुआ होगा क्योंकि टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है ड्यू टू द चेंज कंज्यूमर कैन बाय सिक्स पॉइंट टू के जी मोर शुगर फॉर रुपीज एट थर्टी सेवन सो इस बात का मतलब क्या हुआ

डिवाइडेड बाई सिक्सटी टू थर्टी वन से कैंसल आउट होगा क्या टू टाइम्स जाएगा थर्टी वन टू सिक्सटी टू और फिर टू वन सेवन यानी कि सेवन टाइम्स आएगा ट्वेंटी सेवन बाई टू यानी कि थर्टीन पॉइंट फाइव जीरो रुपीज पर किलोग्राम दैट विल बी आवर रिड्यूस्ड प्राइस ऑप्शन सी अगर इनिशियल प्राइस पूछता तो इनिशियल प्राइस क्या होता है टेन और नाइन का रेशियो है प्राइस का यानी कि इनिशियल प्राइस होगा इस वैल्यू का टेन बाय नाइन यानी कि इनिशियल प्राइस हमारा आ जाएगा टेन बाई नाइन टू ट्वेंटी सेवन बाई टू फिफ्टीन रुपीज पर किलोग्राम फिफ्टीन रुपीज पर किलोग्राम बट ये इनिशियल प्राइस आया है एट प्रेजेंट वाला हमारा थर्टीन पॉइंट जीरो रुपीजी पर किलोग्राम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज बाई ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू परसेंट व्हाट पर्सन शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री तो जो भी ओरिजिनल प्रोडक्शन था कॉन्स्टेंट चाहिए रिस्टोर करना है यानी कि सेम करना है सेम करना है उतना ही ओरिजिनल प्रोडक्शन जितना हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन करना है ठीक है और प्रोडक्शन डिक्रीज कर गया है किस वजह से फॉल इन मैन पावर की वजह से तो so, प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री विल भी प्रपोर्शनल टू तो मैन पावर जितनी ज्यादा मैन पावर होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा सिमिलरली प्रोडक्शन विल ऑल्सो भी प्रपोर्शनल टू वर्किंग आवर्स मोर द वर्किंगस मोर वी प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैन पावर के प्रोपोर्शनिंग आर्स काम लिख देस को एच लिख दे तो प्रोडक्शन प्रोपोर्शन टू एम इन टू एच इज एंड इट्स अगर हमारा एम इन टू एच इज इक्वल टू समस्टेंट प्रोडक्शन क्योंकि प्रोडक्शन दोनों केसेज कॉन्स्टेंट रखना है तो एम इंटू एच इज इक्व कॉन्स्टेंट और

सेवन बाई टू का इंक्रीज करना पड़ेगा और क्योंकि बेस सेवन है हमारा दे विल बी ए चेंज ऑफ टू बाई सेवन विच इज ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन परसेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन परसेंट का हमें इंक्रीज करना पड़ेगा वर्किंग आवर्स में अगर वर्किंग आवर्स की वैल्यू दी होती तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देते ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर सेवन आवर्स वर्किंग आवर्स होते तो अब नाइन आवर्स करने पड़ेंगे बिकॉज नाइन से हमारा मैन पावर सेवन हो गया या नाइन यूनिट से मैन पावर सेवन हो गया दैट इज वाई वर्किंग आवर्स हमारे सेवन यूनिट से नाइन यूनिट करने पड़ेंगे क्लियर है इजी क्वेश्चन था बट समझने तो के लिए थोड़ा सा जरूरी था प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन वर्किंग मैनपा का प्रोफोशन एंड सो ऑन तो हमारा मैन पॉवर इन टू अ आवर्सेंट वैल्यू बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज दैट जो है वो चेंज हमें उतना ही प्रोडक्शन चाहिए जितना ओरिजिनली हो रहा था उससे ज्यादा चाहिए होता तो फिर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है हमारे लिए ठीक है तो फिर कहानी चेंज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर क्वेश्चन कहता कि रिस्टोर करने की बात नहीं कहता वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू इंक्रीज द ओरिजिनल प्रोडक्शन ठीक है लेटेस्ट से ये क्वेश्चन होता कि वी टू इंक्रीज भी करना है तो इनिशियल स्टोरी तो सेम है कि इन टू वर्किंग आवर्स दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है हमें को करना ट्वेंटी परसेंट से मैन पावर हमारा डिक्रीज किया ट्वेंटी कि हो गया by हो गया तो नाउ द मैन पावर सेवन बाई नाइन एम वर्किंग आवर्स को मान लेते हैं एच डैश बट प्रोडक्शन अब हमारा वन बाई फाइव से इंक्रीज भी करना है हमको यानी कि फाइव से अब सिक्स यूनिट्स हो जाएगा सिक्स बाई फाइव हो जाएगा सिक्स बाई फाइव पी हो जाएगा और पी की जगह रिप्लेस कर सकते हो एम इंटू एच को सो दिस विल बिकम सिक्स बाई फाइव इं टू एम इंटू एच एम से एम कैंसल आउट हो गया ठीक है तो एच डैश हमारा आ जाएगा सिक्स बाई फाइव इंटू नाइन बाई सेवन एच ओके कुछ भी सिंप्लीफाई तो नहीं होगा नाइन सिक्स हज़ार फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर बाई थर्टी फाइव एच हो जाएगा और क्वेश्चन में क्योंकि इंक्रीज पूछ रहा है कितना इंक्रीज होगा तो थर्टी फाइव में हम फिफ्टी फोर थर्टी फाइव से फिफ्टी फोर रहा है तो इंक्रीज आ रहा है हमारा नाइनटीन का लेकिन नाइनटीन बाई थर्टी फाइव शुड बी द न्यू परसेंटेज इंक्रीज बट परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा इसका परसेंटेज में क्या वैल्यू आने वाला है इसका थर्टी फाइव से इसको कैलकुलेट करो दिस इज फोर्टीन बाई थर्टी फाइव प्लस फाइव बाई थर्टी फाइव फोर्टीन बाई थर्टी फाइव आ जाएगा टू बाई सेवन और फाइव बाई थर्टी थर्टी फाइव आ जाएगा एक सेकंड टू बाई सेवन ट बाई फाइव आ रहा है टू बाई फाइव और प्लस वन बाई सेवन तो टू बाई फाइव इज फोर्टी परसेंट और प्लस फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट सो दिसंट टू एट परसेंट तो हमारा इंक्रीज होना चाहिए शुड बी फिफ्टी फोर पॉइंट टू एट परसेंट का इंक्रीज इन सच ए केस अगर ट्वेंटी परसेंट का हमें प्रोडक्शन में इंक्रीज चाहिए तो द इंक्रीज शुड बी इंक्रीज इन द वर्किंग आर्स शुड बी फिफ्टी फोर पॉइंट टू एट परसेंट यानी कि आधे से ज्यादा तुम काम बढ़ा दोगे ठीक है वर्किंग आर्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे इज एन डेट सो ठीक है क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट हाउ एक्सपेंस इीज ऑनली बाय टेन परसेंट प्राइस इंक्रीज किया है ट्वेंटी परसेंट से बट एक्सपेंस इंक्रीज किया है टेन परसेंट से वट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजम्शन कंजम्पशन में क्या इंक्रीज या फिर डिक्रीज आएगा दैट इज ऑल द क्वेश्चन आस्किंग इनिशियली प्राइस इंटू कंजम्शन वॉज एक्सपेंडिचर अभी प्राइस को हमने इंक्रीज किया है ट्वेंटी परसेंट से ट्वेंटी परसेंट का इंक्रीज यानी कि वन बाई फाइव का इंक्रीज तो प्राइस इज सिक्स बाई फाइव

न्यू कंजम्पन तो कंजमशन शुड भी रिड्यूज रिडक्शन आएगा बिकॉज इलेवन बाय ट्वेल्व हो रहा है रिडक्शन हमारा आ रहा है इलेवन बाई ट्वेल्व हो रहा है यानी कि रिडक्शन आ रहा है वन का ऑन द बेस ट्वेल्व तो वन बाई ट्वेल्ल का रिडक्शन विच इज एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का रिडक्शन कंजम्पन्न शुड भी रिड्यूज बाई एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वैसे भी देख के समझ में आ रहा है अगर प्राइस ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज़ किया है, तो हमारा एक्सपेंस शुड भी इंक्रीजिंग बाई ट्वेंटी परसेंट ऑनली ठीक है एक्सपेंस हमारा ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज करना चाहिए बट एक्सपेंस में जो इंक्रीज आया वो कितना आया है? वो आया है सिर्फ और सिर्फ टेन परसेंट का सिर्फ और सिर्फ टेन परसेंट का इंक्रीज आया सो यानी कि डेफिनेटली हमारा जो कंजम्पन है उसमें डिक्रीज आया होगा डेफिनेटली कंजम्पन में डिक्रीज आया होगा अब अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्मुले से इसको करने की कोशिश करें इफ यू अप्लाई द फॉर्मुला ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज देख लेते हैं तो से एक्स परसेंट डिक्रीज आया X डिक्रीज इन कंजन ओके तो प्राइस में इंक्रीज प्राइस और कंजम्पन सक्सेसिव इंक्रीज आया तो सक्सेसिव इंक्रीज है क्योंकि प्राइस में इंक्रीज की वजह से एक्सपेंस में चेंज आएगा और कंजम्पशन में डिक्रीज की वजह से भी एक्सपेंस में चेंज आएगा सो सक्सेसिव चेंजेस है इंक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन कंजम्पशन ओके प्राइस में इंक्रीज आया ट्वेंटी परसेंट का तो फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई हंड्रेड दैट वी नेट चेंज एंड दैट नेट चेंज इज इक्वल टू टेन परसेंट तो ए इज इको टू ट्वेंटी परसेंट और बी की वैल्यू एक्स परसेंट मान लेते हैं तो ट्वेंटी प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड दैट इज इक्वल टू टेन

करकेकुलेट कर लो ट्वेंट फाइव बाई थ्रज ऑल्सो एट पॉइंट थ्री तो किसी भी तरह से सक्सेसिव चेंज का अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या ये बात समझ में आती है ठीक है देखते हैं लेडी मस्ट रिड्यूस हर कंजम्शन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज ऑनलीट तो प्राइस हमारा चेंज किया है इंक्रीज किया है 35 Initially, price into consumption was expenditure. Now the price is seven by twenty can increase. Twenty में seven can increase. तो price is twenty seven by twenty times P. Consumption, let us say, C dash. Our expenditure has increased only by increase. हुआ है by eight percent. Eight percent का increase आया. यानी चाहे तो one zero eight by hundred लिख दो. One zero eight by hundred E. So which will become one zero eight by hundred P into C. वन जीरो एट लिखने का एक रीजन ये भी था कि स्टेट अवे ट्वेंटी सेवन का मल्टीपल है ट्वेंटी सेवन से फोर टाइम्स जाएगा ट्वेंटी पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा सी डैश विल बी इक्वल टू फोर बाई फाइव टाइम्स सीजक्शन बाई फाइव का रिडक्शन है यानी कि ट्वेंटी परसेंट का रिडक्शन है ट्वेंटी परसेंट का रिडक्शन है इन कंजम्पशन अदरवाइज समला अप्लाई करके करते तो थर्टी फाइव परसेंट का इंक्रीज आया है प्राइस में और डेड से एक्स परसेंट का डिक्रीज आया है

डिक्रीज ऑफ माइनस ट्वेंटी परसेंट क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीज बाई टेन परसेंट कंजन टेन परसेंट से डिक्रीज किया है बट परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है टैक्स इंपोज हैज इंक्रीज बाई टेन परसेंट बट कंजन है यहाँ पे हमारा परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू टैक्स इंपोज रिड्यूस किया इंक्रीज uh, किया है टेन परसेंट और कंजम्पशन डिक्रीज किया है टेन परसेंट तो रिवेन्यू यहां पे जो टैक्स रिवेन्यू है उसकी बात कर रहा है टैक्स रिवेन्यू डिपेंड ऑन टू थिंग्स फर्स्ट इज टैक्स कितना टैक्स रेट है टैक्स रेट क्या है टैक्स इज प्रपोर्शनल टू टैक्स रेट जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उतना टैक्स रेवेन्यू होगा एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो प्रपोशनल टू कंज्शनिम्ड द मोर विल प्रपोशनल है तो टैक्स रेवेन्यू को अगर हम आर मान लें और टैक्स रेट टी है टी सी और टैक्स रेट हमारा टेन परसेंट से इंक्रीज किया है तो टेन परसेंट बाई टेन से इंक्रीज किया है तो इलेवन बाई टेन हो जाएगा टैक्स और कंज़म्पशन हैज डिक्रीज बाई टेन परसेंट यानी कि से डिक्रीज किया है टेन माइनस वन यानी कि नाइन बाई टेन हो जाएगा कंजम्पन बाई टेन कंजम्पन ठीक है तो टी इंटू सी को तो डायरेक्टली आर देख सकते हैं वन है, तो का रिडक्शन आया तो इज अ डिक्रीज ऑफ वन परसेंट क्लियर है या फिर स्ट्रेट अवे हम फॉर्मूला लगा देते कि टेन परसेंट का इंक्रीज आया है टैक्स रेट में और टेन परसेंट का डिक्रीज आया है कंजम्पन में तो नेट चेंज कितना आएगा टेन माइनस टेन बिकॉज ये तो निगेटिव है टेन माइनस टेन माइनस हंड्रेड बाई हंड्रेड ये तो जीरो आ गया माइनस वन परसेंट या स्ट्रेट अवे हम जानते हैं दोनों केसेज में अगर सेम परसेंटेज है सेम परसेंटेज से तुम इंक्रीज कर रहे हो और फिर डिक्रीज कर रहे हो तो रिजल्ट में नेट में हमारा डिक्रीज आता है एक्स स्क्वायर बाई हंड्रेड परसेंट का डिक्रीज आता है So our answer will be 1% in the revenue. Okay. Okay. Next question: A laborer works for 60 hours a week and gets rupees four eight as wages. If his 1 hour wages are reduced by 16.67% and his working hours are increased by 40%, then by how much amount his wages increase or decrease in a week? So initially the laborer is working for 60 hours in a week.

अब क्या हुआ है w की बजाय इंस्टेड हमारा क्या हो गया 5 by 6, w. That is और working हमारे 2 by 5 से increase है 5 में 2 का increase है, कि से सेवन बाई सिक्स इंटू फोर एट डबल जीरो बट क्वेश्चन हमारा टोटल वैल्यू क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है question पूछ रहा है इंक्रीज या फिर डिक्रीज कितना होगा चेंज so हो कि आ रहा है 1 by 6 का इंक्रीज आ रहा है तो वन बाई सिक्स इन टू फोर एट डबल जीरो हमारा फोर थाउजेंड एट हंड्रेड्रेड फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हो जाएगा बट आंसर क्योंकि हमसे इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है तो दे विलंडीज ऑनली इज दैट क्लियर क्या बात समझ में आती है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं

बी को लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा बच जाएगा सिर्फ बी और फाइव से तो कुछ नीचे फोर है फोर से फाइव टाइम्स जाएगा सेवन से यहां फोर बचेगा यहां पे बचेगा थ्री तो बी डैश वुड बी इक्वल टू एक सेकेंड हाँ ट्वेंटी फाइव भी आया नीचे तो ये भी कैंसिल आउट होगा फाइव यहाँ पे कैंसिल आउट होगा फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा सो बी डेट विल टू थ्री बाई फोर टाइम्स बी तो थ्री बाई फोर टाइम्स बी हो रही है यानी कि फोर में रिडक्शन आ रहा है वन का वन का रिडक्शन आया कि दर इज अ चेंज ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट और डिक्रीज है ट्वेंटी फाइव परसेंट का ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज इन दैट विल बी अवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज इन द्राइट क्लियर है ओके okay. ठीक और यही बात अगर फॉर्मला लगा के करते सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मला लगा के करते तो कैसे करते पहले तुम तो क्योंकि सारी चीजें प्रोपोर्शनल है ट्वेंटी फाइव पे इंक्रीज आया है लेंथ में हाइट में इंक्रीज आया है ट्वेल्व परसेंट का रेट में पता लगाना है क्या आएगा और नेट में चेंज आया है वॉल्यूम में फाइव परसेंट का ठीक है सबसे पहले लेंथ और हाइट के वजह से नेट में चेंज नेट इंक्रीज कितना आने वाला है वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्ल बाई हंड्रेड विच इज़ थ्री हंड्रेड बाई हंड्रेड एंड के थ्री परसेंट दिस इज ट्वेंटी फोर्टी परसेंट का इंक्रीज आएगा फोर्टी परसेंट का इंक्रीज आएगा लेंथ और हाइट की वजह से और फिर ब्रेथ का चेंज और दोनों का चेंज मिला के हमारा नेट में फाइव परसेंट का चेंज आ रहा है लेटेस्ट से ब्रेथ में एक्स परसेंट का हमारा डिक्रीज आ रहा है बिकॉज डिक्रीज ही आएगा क्योंकि नेट में हमारा सिर्फ फाइव परसेंट का चेंज है जबकि ऑलरेडी लेंथ और हाइट को मिला के फोर्टी परसेंट हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो प्लस फोर्टी माइनस एक्स माइनस फोर्टी एक्स बाई हंड्रेड ये वैल्यू आ जाएगा प्लस फोर्टी माइनस वन फोर्टी एक्स बाय हंड्रेड एंड दैट इज इक्वल टू प्लस फाइव तो दिस विल बिकम माइनस थर्टी फाइव माइनस वन फोर्टी एक्स बाय हंड्रेड इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव फोर टाइम्स आएगा फोर बाय हंड्रेड यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके क्लियर है एक्स वुल बिल्ड ट्वेंटी फाइव परसेंट अब यहाँ पे देख सकते हो एक्स हमारा पॉजिटिव क्यों आ रहा है बिकॉज ऑलरेडी हमने एज्यूम किया था कि एक्स हमारा एक डिक्रीज वैल्यू होगा यानी कि हमने नेगेटिव साइन ऑलरेडी लेके रखा हुआ है दैट इज़ वाई हमारा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा अगर हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया होता तो फिर हमारा जो एक्स है लास्ट में वो निगेटिव वैल्यू आता बट ये बातें ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन में डिक्रीज भी दिया हो एक ऑप्शन में और एक में इंक्रीज भी दिया हो तो साइन का ध्यान रखना है कि साइन हमारा अगर हमने ऑलरेडी डिक्रीज माना हुआ है तो लास्ट में साइन पॉजिटिव आ रहा है यानी कि डिक्रीज ही आया है अगर डिक्रीज मानने के बाद में एंड में हमारा नेगेटिव साइन आया दैट मीन्स डिक्रीज माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है कभी कभी ऐसा हो सकता है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें ठीक है एग्जाम में ऐसी गलती करनी है नहीं कभी अगर कर दी तो कॉस्ट करेगा यानी कि सब कुछ तुमने सही किया और अल्टीमेटली तुमने आंसर गलत मार्क कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सब कुछ गलत करते तो भी उतना ही नुकसान होता है जितना नुकसान तुमने ऑलरेडी अपना कर लिया क्लियर है ठीक है ना तो ये बात हमेशा समझ के रखना है ये बात हमेशा जब भी सॉल्व कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन को तो इतना अटेंटिव रखना है रहना है इतना ध्यान देना है कि तुम साइन की गलती कहीं पे ना करो ओके लास्ट क्वेश्चन आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन हाँ तो करते हैं इस क्वेश्चन को द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाई टेन परसेंट इन द फर्स्ट ईयर एंड देन डिक्रीज बाई टेन परसेंट इन द नेक्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर में टेन परसेंट से पॉपुलेशन इंक्रीज किया है और सेकंड ईयर में डिक्रीज किया टेन परसेंट से वंस अगेन द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई टेन परसेंट इन द थर्ड ईयर

इज़ माइनस का वन परसेंट यही हाल यहाँ पे होगा इज ऑल्सो वन परसेंट का डिक्रीज तो आफ्टर टू थाउजेंड तो आफ्टर टू स्टोरी बनेगा और का कितना होगा so, हम थ्री हंड्रेड थर्टी थाउजेंड माइनस थ्री हंड्रेड आ जाएगा ट्वेंटी So after two more years, there will again be a decrease of 1%, but this time 1% is 297. So minus carrying 297. So this will be 29,403. 300 minus karka 3. Kar diya. So population after 4 years will be 29,403. Okay?

ठीक है सो so, उस केस में हम क्या करते अगर फोर ईयर जगो की पॉपुलेशन पूछता तो क्या करते इफ फोर ईयर जगो वाला पॉपुलेशन पूछता कब से फोर ईयर जब थर्टी थाउजेंड थी तब से ठीक है लिख देते हैं इफ एट ईयर जेगो का पॉपुलेशन पूछता तो थर्टी थाउजेंड तो हमारी पॉपुलेशन थी उससे दो साल पहले क्या होगा वन परसेंट का डिक्रीज आया है थर्टी थाउजेंड जब आए हैं भाई अगर हमारी पॉपुलेशन हंड्रेड थी तो टू ईयर्स के बाद में नाइनटी नाइन बचेगी टू ईयर के बाद नाइन्टी नाइन बचेगी यानी कि टू ईर्स पहले की पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे इन टू हंड्रेड बाई नाइटी नाइन और सिमिलरली अगर फोर ईयर्स पहले जाना है तो एक बार फिर से हंड्रेड बाय नाइन्टी नाइन करेंगे सो दिस विल बी आवर पॉपुलेशन जो भी वैल्यू आएगा इसका दिस विल बी आवर पॉपुलेशन फोर ईयर्स एगो देन थर्टी थाउजेंड जब था यानी कि एट ईयर एगो फ्रॉम प्रेजेंट क्लियर है अगर ये क्वेश्चन पूछता तो इस तरह से कैलकुलेट करते है? क्या बात समझ में आती है ठीक है सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन वो तुम्हें तो समझ में आए होंगे पसंद आए होंगे सारे कैलकुलेशन समझ में आएंगे कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना और साथ में अपना अप्रिसिएशन और फीडबैक भी जरूर से जरूर देना ठीक है चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और दैट्स ऑल अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर से ज्वाइन करना है तो चैनल इज मैथोलॉजी का आदित्य कुमार दैट्स ऑल फॉर द सेशन बाय बाय टेक केयर